और पेज नंबर 243 पर आया है। श्लोक 27 है, मंत्र द्वारा प्रोक्षण संस्कार से युक्त यज्ञ में हवन किया गया मृगादि पशु का मांस ब्राह्मणों की इच्छा से हो तब एक ही बार दोबारा नहीं। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मधुपर्क तथा श्राद्ध में नियुक्त होने पर और प्राण संकट अन्य खाद्य के अभाव या रोग विशेष के होने पर मांस को अवश्य खाना चाहिए। और श्लोक नंबर 28 में आया है, प्रजापति ब्रह्मा ने जीव का सब कुछ खाद्य कहा है। सब स्थावर धान्य फल लतादि जन्य पदार्थ तथा जंगम पशु पक्षी जलचर आदि जीवों के खाद्य भक्ष्य हैं। श्लोक नंबर 30 में आया है, प्रतिदिन भक्ष्य जीवों को खाने वाला भी भक्षक दोषी नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा ने ही भक्ष्य तथा भक्षक दोनों जीवों को बनाया है। श्लोक नंबर 32 में आया है, खरीद कर स्वयं मार कर या किसी के द्वारा दिए हुए मांस को देवता तथा पितरों के लिए समर्पण कर खाने वाला दोषी नहीं होता है। और श्लोक नंबर 35 में आया है, शास्त्र अनुसार नियुक्त श्राद्ध तथा मधुपर्क में नियुक्त जो मनुष्य मांस को नहीं खाता है वो मरकर 21 जन्म तक पशु होता है। और श्लोक नंबर 39 में आया है, ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए पशुओं को स्वयं बनाया है और यज्ञ संपूर्ण संसार की उन्नति के लिए है। इस कारण यज्ञ में पशु का वध जन्य दोष न होने से वध नहीं है। श्लोक नंबर 40 में आया है, यज्ञ के लिए नाश मृत्यु को प्राप्त औषधियाँ व्रीही आदि पशु छाग आदि वृक्ष यज्ञ स्तंभ के लिए खदीर आदि तिर्यक कच्छप आदि और पक्षी कपिंजल आदि फिर जन्मांतर में उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं। और श्लोक नंबर 42 में आया है, इन कर्मों से पशुवत करता हुआ देवतत्वों को जानने वाला द्विज अपने को तथा पशुओं को उत्तम गति में पहुंचाता है। ये ग्रंथ कूर्म प्राणम है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद। इस ग्रंथ के पेज नंबर 635 पर सप्तदशो अध्याय यानी 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 34 में आया है, प्रजापति मनु के अनुसार स्वर्ण गोधा कछुआ खरगोश गेंडा और शाही जैसे 5 नाखूनों वाले प्राणियों का मांस खाया जा सकता है। और श्लोक नंबर 36 में आया है, मनु के अनुसार मोर तीतर चातक बूढ़ा खासी और बतख का मांस खाया जा सकता है। और श्लोक नंबर 37 में आया है, हे मुनीश्वर वृद्ध, मछलियों में राजीव शकुल पाठीन और रोहित यानी रोहू मछली भक्षणीय है। यज्ञ में हवन के बाद इन प्राणियों के बचे हुए मांस को खाया जा सकता है। श्लोक नंबर 40 में ये बात बताई गई है, जो व्यक्ति श्राद्ध में आमंत्रित होकर या धार्मिक कार्य से संलग्न होकर भी मांस नहीं खाता वो पशुओं के शरीर में कितने रोएं होते हैं उतने वर्षों तक नरक भोगता है। और कूर्म प्राणम के पेज नंबर 668 पर आया है, विंशो अध्याय यानी 20वां अध्याय, इसके श्लोक नंबर 40 में आया है, मछली से श्राद्ध करने से 2 महीने, हिरण के मांस से श्राद्ध करने से 3 महीने, भेड़ के मांस से 4, पक्षी के मांस से 5, बकरे के मांस से 6 तथा पुष्टि यानी मृग विशेष के मांस से श्राद्ध करने से 7 महीने तक पितर तृप्त रहते हैं। और श्लोक 41 में आया है, रुरु मृग के मांस से श्राद्ध करने से 9 महीने, वराह तथा महिष के मांस से श्राद्ध करने से 10 महीने और खरगोश या कछुए के मांस से श्राद्ध करने से 11 महीने तक, गाय के दूध या खीर से श्राद्ध करने से पितर साल भर तृप्त रहते हैं। और श्लोक नंबर 42 में ये है, और गेंडे के मांस से श्राद्ध करने से 12 सालों तक तृप्त रहते हैं। श्लोक नंबर 43 में यह आया है, पटुआ या करेमू साग बड़े बड़े छिलके वाली मछली गेंडे का मांस लाल बकरे का मांस शहद
और मुनियों के द्वारा भक्षणीय अन्न श्राद्ध में देने से पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 44 में आया है, मांस चाहे खरीदा हुआ हो, अपने आप मरे हुए पशु का हो या दान में मिला हो, श्राद्ध में अवश्य यत्नपूर्वक मांस चढ़ाना चाहिए, इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। ये अथर्वेद खंड 10 सूक्त 9 और मंत्र 1 है। आप इसका अंग्रेजी अनुवाद भी देखिए, जिसको संपादित और संशोधित करने वाले KL जोशी है। इसका इंग्लिश अनुवाद WD वाइटनी और सैनकारिया ने किया है और इसको प्रकाशित बरिमल पब्लिकेशन दिल्ली ने किया है। इसमें गाय की कुर्बानी का वर्णन है, विद द ऑफरिंग ऑफ ए काउ एंड 100 राइस डिशेस, यानी एक गाय को दान करने और चावल से बने हुए 100 खानों के साथ। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी भाषा अनुवाद सहित अयोध्या कांड है 3रा, और अनुवादक चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा जी है। इसके 22 श्लोक से लेकर 28 श्लोकन तक आप देख सकते हैं। हे लक्ष्मण, हिरण का मांस ले आओ, जिससे हम दोनों पर्ण शालाधिष्ठात्री देवता की पूजा करें, क्योंकि यदि बहुत दिनों किसी नवीन बने हुए घर में रहना चाहे तो उसे वास्तु शांति गृह प्रवेश कर्म करनी चाहिए। 23वें श्लोक में है, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र एक काला हिरण मार कर ले आओ, क्योंकि भली भांति विचार कर इस विषय की धर्मशास्त्र द्वारा निर्णीत विधि को यथारीति करना उचित है। 24वें श्लोक में है, महाबलवान लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण काला मृग मार कर ले आए, फिर श्री रामचंद्र जी के कथानुसार कार्य कर चुकने पर श्री रामचंद्र जी ने पुनः उनसे कहा। 25वां श्लोक है, अच्छा अब इस मांस को रांधो, जिससे हम हवन करें। हे सौम्य, शीघ्रता करो, क्योंकि ये मुहूर्त भी स्थिर है और दिन भी अच्छा है। 26वां श्लोक है, तब प्रतापी लक्ष्मण ने मारे हुए यज्ञ काले मृग को अच्छी तरह जलती हुई आग में डालकर भूना, मृग के माने हिरण के हैं। और ये 27वें श्लोक में है, और जब वो भुन गया और उसका रुधिर जल गया, तब लक्ष्मण जी ने पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी से कहा। ये 28वां श्लोक है, हे देवतुल्य, मैंने इस संपूर्ण अंगों युक्त कृष्ण मृग को रांध कर तैयार कर दिया, आप यज्ञ कर्म करने में समर्थ हैं, अतः वास्तु देवता की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कीजिए। ये रामायण का श्लोक है, अरण्या खंड सर्ग 47 पेज 364, श्लोक नंबर 22 और 23। उसका अर्थ है, और अपने बलबूते पर इस भयंकर वन में विचरते हैं, द्विज श्रेष्ठ तुम मुहूर्त भर यहाँ ठहरो, मेरे पति अनेक वन्य पदार्थों को लेकर आते होंगे, रुरु गो और बनेले शुकर को मार, वे बहुत सा मांस लावेंगे। ये रामायण के श्लोक है, अयोध्या खंड 96 सर्ग श्लोक 1 और 2 पेज नंबर 928। पहले श्लोक का अर्थ है, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सीता को मंदाकिनी नदी की शोभा दिखाकर पर्वत की एक शिला पर बैठ गए और मांस का स्वाद बतला सीता को प्रसन्न करने लगे। दूसरे श्लोक का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, देखो ये मांस पवित्र है और अग्नि में भूजने से ये स्वादिष्ट हो गया है। ये रामायण का श्लोक है, अयोध्या खंड 52वां सर्ग 102 श्लोक नंबर। इसका अर्थ है, वहाँ श्री रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने ऋष्या, पुरुषत, वरहा और रुरु जाति के चार बड़े बड़े वनेले जानवरों की शिकार खेली। तदनंतर उन लोगों ने भूख लगने पर ऋष्योचित भोजन कंदमूल फलादि लाकर खाए और जब संध्या हुई तब एक वृक्ष के नीचे जा टिके। ये दि बृहदारण्यक का उपनिषद है, ट्रांसलेटेड बाय स्वामी माधवानंदा, अद्वैता आश्रमा मायावती अल्मोरा हिमालयास। इसके 18वें श्लोक में ये बात बताई जा रही है, He who wishes that a son should be born to him, who would be a reputed scholar, frequenting the assemblies and speaking delightful words, would study all the Vedas and attain a full term of life, should have rice cooked with the meat of a vigorous bull,
or one more advanced in years, and he and his wife should eat it with clarified butter, then they would be able to produce such a son. इसका अर्थ है, ये श्लोक बृहदारण्यक का उपनिषद पेज नंबर 940 पर है। जो चाहता हो कि उसको एक ऐसा बेटा पैदा हो जो प्रख्यात पंडित हो और विद्वानों की सभाओं में श्रवण सुखद वाणी बोलने वाला हो, संपूर्ण वेदों का पाठ करने वाला हो और उसकी आयु लंबी हो, तो उस पुरुष को चाहिए कि वो किसी शक्तिशाली बैल के मांस को जो चावल के साथ पका हुआ हो खाए। उसको और उसकी पत्नी को चाहिए कि इस भोजन को घी लगाकर खाए। इस प्रकार वो ऐसे बेटे को जन्म देने में समर्थ हो सकते हैं। ये महाभारत है, अनुशासन पर्व में 1 से 10 श्लोकों को आप ध्यान से देखिए। युधिष्ठर बोले, हे पितामह, पितरों के उद्देश्य से कौन वस्तु दान करने पर अक्षय होती है? किस वस्तु के दान से सदा के लिए तथा किस दान से अनंत काल तक तृप्त रहते हैं?